बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप पर सलामती और अल्लाह की रहमत हो। TV 87 देखने का शुक्रिया। साथियों, नासा की एक हालिया रिपोर्ट में बताया गया है कि 12 जुलाई 2038 को एक एस्ट्रॉइड जमीन से टकरा सकता है। और देखिए, ये पोस्ट इसमें 72% चांस बताया जा रहा है इसके टकराने का। नासा ने ऑलरेडी अलर्ट जारी कर दिया है और अपनी प्लैनेटरी डिफेंस एक्सरसाइज शुरू कर दी है। सारी ग्लोबल एजेंसीज ने यहाँ तक सोचना शुरू कर दिया है कि हमें जल्द अज जल्द मरीख पर मुंतकिल हो जाना चाहिए। कितनी सच्चाई है इस खबर में और इसके अलावा कौन कौन से खतरे लाहक हैं हमारी ज़मीन को इन एस्ट्रॉइड से, आइए जानते हैं आज की वीडियो में। दोस्तों, एस्टेरॉइड्स का दूसरा नाम है प्लैनेटॉइड्स, क्योंकि ये एक छोटे से प्लैनेट की तरह होते हैं। दरहकीकत ये बड़े छोटे पत्थर हैं जो स्पेस में घूम रहे हैं। साइज की बात की जाए तो ये 15 मीटर से लेकर 100-200 किलोमीटर तक बड़े हो सकते हैं। सेरेस नाम का एक एस्टेरॉइड 940 किलोमीटर डायामीटर में बताया जाता है। ज्यादातर एस्ट्रॉइड हमारे सोलर सिस्टम में मार्स और जुपिटर के बीच में एक एस्ट्रॉइड बेल्ट में पाए जाते हैं और यहाँ बिलियंस ऑफ एस्ट्रॉइड मौजूद हैं। बज़ाहिर आपको लगता होगा कि एस्ट्रॉइड आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए होंगे, पर ऐसा नहीं है। इन एस्ट्रॉइड्स का आपस में एक दूसरे से 10 लाख किलोमीटर से भी ज्यादा का फासला है। अब होता कुछ यूं है कि कई बार इनमें से कोई एक एस्ट्रॉइड अपनी बेल्ट में से कुछ दूर निकल जाता है और हमारी जमीन के करीब आ जाता है। इनको नियर अर्थ ऑब्जेक्ट्स का नाम भी दिया जाता है, शॉर्ट कहें तो NEOs। अब ये NEOs सिर्फ एस्ट्रॉइड्स ही नहीं बल्कि ये कॉमेट्स भी हो सकते हैं, मीटियोर्स भी हो सकते हैं, मीटोराइट्स भी हो सकते हैं और मीटियोराइड्स भी। इनके ये अलग अलग नाम इनकी खसूसियात की बिना पर इनको दिए जाते हैं। ऐसे एस्ट्रॉइड रॉकी मटेरियल के बने होते हैं और कॉमेट्स बने होते हैं बर्फ, पत्थर और धूल के, इसलिए इनको डर्टी स्नोबॉल्स भी कहा जाता है। अब एस्ट्रॉइड्स तो मार्स और जुपिटर के बीच एस्ट्रॉइड्स पट्टी में पाए जाते हैं, लेकिन कॉमेट्स काइपर बेल्ट में पाए जाते हैं और ये पट्टी हमारे सोलर सिस्टम से बाहर नेपच्यून से भी आगे है। अब एस्ट्रॉइड की निस्बत कॉमेट ज्यादा खतरनाक हमारी जमीन के लिए इसलिए साबित हो सकता है कि इसकी तेज रफ्तार के बायस इसको डिटेक्ट करना इतना आसान नहीं, इसलिए कब कोई कॉमेट जमीन से टकरा जाए हमें ज्यादा वक्त पहले पता नहीं चलेगा। अब बात की जाए मीटियोरॉइड्स की, तो ये दरहकीकत एस्ट्रॉइड या फिर कॉमेट का ही छोटा सा टुकड़ा होता है। जब ये जमीन के करीब आता है तो इसको मीटियोर कहते हैं। ये बड़ी तेजी से बर्न कर जाता है और इसके पीछे हमें रोशनी की एक टेल नजर आती है, जिसे आप लोग शूटिंग स्टार्स के नाम से भी जानते हो। इस टॉपिक पे हमारी वीडियो टूटते तारे शूटिंग स्टार्स जरूर देखिए, ताकि इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से आप अल्लाह के बनाए हुए इस निज़ाम को बखूबी समझ सकें। इसी मीटियोर का कोई टुकड़ा अगर एटमॉस्फेयर को चीरता हुआ जमीन तक पहुंच जाए तो उसे कहते हैं मीटियोराइट। अब वापस बात करते हैं उन NEOs की जो एक मुसलसल खतरा बने होते हैं हमारी ज़मीन के लिए, और इनमें से कोई एक ऑब्जेक्ट कभी भी ज़मीन से टकरा सकता है। और ऐसा हमारा सोचना बनता भी है कि आज से तकरीबन 66 मिलियन साल पहले ज़मीन इस हादसे से दोचार हो चुकी है, जब डायनासोर्स और बहुत सारी स्पीशीज का दुनिया से सफाया हो गया था। अगर आपने हमारी पिछली वीडियो डायनासोर्स का खात्मा देखी हो तो आप बखूबी जानते होंगे इस बात को, और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो ज़रूर देखिए, वीडियो के एंड स्क्रीन पर लिंक डिस्प्ले हो जाएगा। बहरहाल 2038 में टकराए जाने वाले एस्ट्रॉइड की न्यूज़ बिल्कुल फेक है। हाँ, मगर ये सच है कि ये खबर खुद नासा ने फैलाई एक हाइपोथेटिकल एक्सरसाइज करने के लिए, कि अगर ज़मीन को इतना बड़ा ख़तरा हो और हमें सिर्फ 14 साल पहले पता चले तो हम इस ख़तरे से कैसे निपटेंगे। ये एक मॉक टेस्ट था जिसमें कई 100 एक्सपर्ट्स ने हिस्सा लिया। बेशक ये एक फेक न्यूज़ थी, मगर अब जिन 3 ऑब्जेक्ट्स का मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये हरगिज़ फेक नहीं और 100% रियल हैं। ये नासा की रिस्क लिस्ट पर हैं। इनमें से नंबर 1 पर है 2023 VD3। साइज में ये बहुत ही छोटा सा एस्ट्रॉइड है, सिर्फ 11 से 24 मीटर बड़ा है। ये ज़मीन से टकरा सकता है 8 नवंबर 2034 को, और टकराने के चांसेस हैं 1 in 387 यानी 0.25%।
अब ये चांस इतना छोटा भी मत समझिए। साल 2013 में ऐसा ही एक सानहा हुआ था, जब रशिया के चेलियाबिंस्क शहर के ठीक ऊपर ऐसा ही एक मीटियोराइड ब्लास्ट हो गया था। It came out of nowhere, a bright speck in the sky, soon streaking across the horizon, followed by an almost apocalyptic scene, a blinding flash of light, and then all hell broke loose. इस मीटियोराइड का साइज तकरीबन 20 मीटर था और बड़ी ही पावरफुल शॉक वेव्स भी रिलीज हुई थी। कुछ इमारतें डैमेज हुईं और तकरीबन 1500 लोग जख्मी भी हुए। Nearly 1,500 people were injured. Most of them suffered cuts from shattered windows. बहरहाल किसी की मौत रिपोर्ट नहीं हुई थी। रिस्क लिस्ट में नंबर 2 पर है 1979XB एस्टेरॉयड। ये साइज में काफी बड़ा है, तकरीबन 400 से 900 इसका डायामीटर है और ये 12 दिसंबर 2056 को जमीन से टकरा सकता है, जिसका चांस है 1 in 4.27 मिलियन, यानी 0.00002%। इतना कम चांस है इसका जमीन से टकराने का, लेकिन फिर भी ये रिस्क लिस्ट में नंबर 2 पर है क्योंकि इसका साइज बहुत बड़ा है। नंबर 3 पर है 2008JL3। इसका डायामीटर 23 से 50 मीटर के बीच बताया जाता है और ये 1 मई 2027 को ज़मीन से टकरा सकता है और इसके ज़मीन से टकराव का चांस है 1 in 6711, यानी 0.01%। अब एक मसला ये है कि ये सिर्फ वही एस्टेरॉयड्स हैं जिनको हम अब तक डिस्कवर कर चुके हैं। ये भी हो सकता है कि मुस्तकबिल करीब में कई और एस्टेरॉयड्स की निशानदही कर दी जाए, क्योंकि कॉमेट को लेकर इतनी अच्छी कैलकुलेशन नहीं हो सकती, और अगर हमें किसी कॉमेट का सुराग लग भी गया तो इसके ज़मीन से टकराने में शायद 6 साल से भी कम अरसा बचा हो। हमारे जो ज़मीन पर डिटेक्शन सिस्टम नस्ब हैं वो कभी कभी मिस कैलकुलेशन भी कर जाते हैं। डिटेक्शन प्रोजेक्ट्स में से मशहूर 2 या 3 का जिक्र करूं तो इनमें है लीनियर लिंकन नियर अर्थ एस्ट्रॉयड रिसर्च। इसे सन 1996 में शुरू किया गया और ये यूएसए की एयरफोर्स, नासा और एमआईटी के बीच कोलैबोरेशन है। ये 2 1 मीटर टेलीस्कोप्स और 1 आधा मीटर टेलीस्कोप्स का इस्तेमाल करता है और हर साल तकरीबन 10,000 ऑब्जेक्ट्स डिस्कवर करता है। आज तक जितने भी एस्ट्रॉयड्स दरियाफ्त हुए हैं उनमें से 65% इसी लीनियर ने दरियाफ्त किए हैं। इसके बाद है CSS, कैटलिना स्काई सर्वे, और फिर पैन स्टार्स, पैनोरामिक सर्वे टेलीस्कोप एंड रैपिड रिस्पांस सिस्टम। और अगर कोई एस्ट्रॉयड इन तीनों डिटेक्शन सिस्टम्स से बच के निकल भी आए तो इसे खोज लेगा एटलस, एस्टेरॉयड टेरेस्ट्रियल इंपैक्ट लास्ट अलर्ट सिस्टम। ये हवा में ही मौजूद है और इसे एक फाइनल वार्निंग के लिए बनाया गया है। रोजाना रात को ये पूरे आसमान को 2 मरतबा स्कैन कर सकता है। तो ओवरऑल हमारी ज़मीन का ये डिफेंस सिस्टम काफ़ी तगड़ा है, लेकिन बेशतर चूक भी हो जाती है। कई बार छोटे छोटे मीटियोर्स अनडिटेक्टेड बच कर निकल आते हैं और ज़मीन पर इम्पैक्ट करते हैं, जैसा कि रशिया के शहर चेलियाबिंस्क पर मीटियोर इम्पैक्ट हुआ था। इसलिए ऐसे सिनारियो के लिए सिविल डिफेंस कंपोनेंट बड़ा अहम बन जाता है। लेकिन तब क्या होगा अगर कोई बड़ा एस्ट्रॉयड आकर टकराने वाला हो हमारी ज़मीन से? हमारे पास 3 स्ट्रेटजीज हैं उसे डील करने के लिए। पहला काइनेटिक मेथड्स, दूसरा स्लो पुश एंड पुल मेथड्स, और तीसरा न्यूक्लियर मेथड्स। इन तीनों में से सिर्फ पहला यानी काइनेटिक मेथड ही है जिसे कामयाबी के साथ टेस्ट किया गया है। इसमें हम एक स्पेसक्राफ्ट भेजते हैं जिससे हम उस एस्ट्रॉयड को टक्कर मारकर उसका रुख बदल देते हैं, यानी कि उसका ऑर्बिट चेंज कर देते हैं। इसका प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट आज से 2 साल पहले किया गया था और इस टेस्ट को डार्ट यानी डबल एस्ट्रॉयड रीडायरेक्शन टेस्ट का नाम दिया गया। 26 सितंबर 2022, 170 मीटर डायमॉर्फस एस्ट्रॉयड कहीं स्पेस में ज़मीन से बहुत दूर मौजूद था और नासा का स्पेसक्राफ्ट ले जाकर उस पर क्रैश कराया गया। इस एस्ट्रॉयड से हमें कोई ख़तरा नहीं था, लेकिन हमें बस ये जानना मकसूद था कि ऐसा करने से क्या वाकई में एस्ट्रॉयड का ऑर्बिट बदला जा सकता है या नहीं, और हमें जवाब मिला कि हाँ, ये मुमकिन है और सही में एस्ट्रॉयड ने अपना रुख बदल दिया था।
दूसरा तरीका यानी स्लो पुश एंड पुल मेथड, इसमें हम आहिस्ता आहिस्ता करके एस्ट्रॉयड का ऑर्बिट बदल सकते हैं। इसके लिए सोलर एनर्जी का इस्तेमाल किया जा सकता है। एक स्पेस क्राफ्ट एस्ट्रॉयड के पास जाएगा और सूरज की शुआओं को एस्ट्रॉयड पर कंसंट्रेट करके इसको वेपोराइज कर देगा। इस रिएक्शन से कुछ गैसेस का इखराज होगा जिसकी वजह से एस्ट्रॉयड पर काफ़ी दबाव पड़ जाएगा और फिर आहिस्ता आहिस्ता एस्ट्रॉयड अपना ऑर्बिट बदल लेगा। तीसरा है न्यूक्लियर मेथड्स। सीधा मारो एक न्यूक्लियर एस्ट्रॉयड को और उसे फोड़ डालो। सुनने में यह बड़ा फिल्मी लगता है लेकिन शायद ही कभी इसका इस्तेमाल किया जाए, क्योंकि उस एस्ट्रॉयड के फटने से उसके टुकड़े न जाने कौन सा ऑर्बिट फॉलो करें और वो स्पेस में किसी बड़ी तबाही का बायस ना बन जाए। अब कुल मिला के बात इतनी है कि फिलहाल हमें अगले 100 साल तक कोई बड़ा खतरा लाहक नहीं, और अगर कोई छोटा मोटा एस्ट्रॉयड हमारी ज़मीन की तरफ बढ़ता भी है तो उससे निपटने के लिए हमारे पास काफ़ी मजबूत डिफेंस सिस्टम मौजूद है। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो अपनी कीमती आरा से हमें कमेंट के जरिए ज़रूर आगाह कीजिए। अपने चैनल TV87 को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को साथ ही साथ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। खुश रखिए, खुश रहिए। फी अमानिल्लाह।